तो लो जी पानीपत टोल क्रॉस कर लिया है और दिल्ली से पानीपत आते आते ही बाइक में एक दिक्कत आ गई है। वेलकम बैक टू द चैनल बड्डियानू राम राम छोटियानू प्यार हाजिर हाँ थोड़े सामने फिर तो एक बार मैं आपका जतिन और आप देख रहे हो जतिन सचदेवा ब्लॉग्स चैनल। तो अभी मैं जा रहा हूँ बुलेट की सर्विस करवाने, इसलिए ट्रिप प्लान हो रही है। हाँ जी तो पहुँच चुका हूँ अपना शॉप पे जहाँ से सर्विस करवानी है, हर बार यहीं से करवाता हूँ। अब बाइक ऊपर लगाते हैं और सर जी की हाल है। तो ये हेडलाइट तो मेरे पास पड़ी थी ओरिजिनल जो लगी हुई आती है, मैंने दूसरी लगवा रखी है। एक ये लगवा लेंगे, एक ये रॉयल एनफील्ड का ओरिजिनल जो इंजन ऑयल रिकमेंडेड होता है वो हो गया। एक एयर फिल्टर, ये भी रॉयल एनफील्ड का है ओरिजिनल, और ये है ऑयल फिल्टर। क्या पोजीशन है इसकी, यहाँ पे लगा होता है, मतलब ये एयर इनटेक होता है। जैसे कैसे समझाऊँ, हमारे जैसे फेफड़े हैं ना लंग्स, वैसे ये बाइक के लंग्स हैं। एयर इनटेक ज्यादा होएगी तो ये पिकअप बन। सारी मिट्टी जमी पड़ी है, देखो कितनी ज्यादा। फिर मैं तो मेहनत कर रहा हूं, पानी से धो के अपना पूरा साफ कर दिया इसका जो बक्सा है एयर फिल्टर का। ये एक तरह से लंग्स का काम करता है ये। तो ये हवा आती कहां से है यहां पे? ये हवा यहां से खींचता है, ये जगह जो दिख रही है ये खाली जगह होती है पीछे से, और यहां से हवा खींचता है और साफ हो के फिर यहां से इंजन से होके ये कार्बोरेटर में यहां पे जाती है, यहां से। अब ये नया डलने लगा है, ये देखो पुराने की हालत देखो और नए की हालत देखो। एकदम काला ऑयल है। इसमें आता है पूरा 2.5 लीटर। अब ये वाली हेडलाइट जो मैंने लगा रखी है देखो ये टूट गई है, और इसका शीशा भी जो है पीला पड़ गया है, और ये जो टूटी है इसके कांच भी अंदर ही पड़े हैं। अब देखिए एलईडी बल्ब लगवा रहा हूँ हेडलाइट में। लो जी अब ये ओरिजिनल हेडलाइट लग गई, एक ये पत्ती लगवा ली ऊपर, ये कंपनी से क्रोम की लगी आती है, लेकिन अपने ये भी ब्लैक है तो ये ब्लैक के साथ ब्लैक होगी, और ये क्लच वायर सेट कर रहे हैं। अब ये दुग दुग वाला सिलेंसर भी चेंज कराने लगा हूँ, नॉर्मल वाला लगवा लेंगे जो मतलब जिस पे चलान नहीं होता, इस पे चलान हो जाता है। तो सर्विस करवा के मैं घर आ गया था। अब आज का दिन जो है, आज शाम को निकल रहे हैं हमने ट्रिप पे, तो अभी मैं जा रहा हूँ ये शीशे लगवा लूँ, एक तो चीज़ें और लगवानी है बाइक पे, वो लगवा के बाइक की वॉशिंग करवा दूँ और फिर तैयारी करते हैं। तो लो जी पहुंच चुका हूं दोबारा से जहां से सर्विस करवाई थी। अब ये शीशे लगवा लें, और ये उतरवा दिया था उस दिन मैंने, यहां से सीट उतरवा दी और ये कैरियर एक्स्ट्रा लगवा लिया, बाकी ये लाइटें लगवाई थी। तो यहां पे आपको ना बुलेट से रिलेटेड सारी एक्सेसरीज भी मिल जाएंगी, वो सिलेंसर पड़े, वो इंजन गार्ड पड़ा, ये हॉर्न वगैरह हो गया,
एयर फिल्टर, हेडलाइट, मोबाइल होल्डर, की चेन्स, मतलब हर चीज़ मिल जाएगी आपको जी। ऑयलिंग भी कर दी और क्या कहते हैं ये भी लगा दिया, मिरर्स भी लगा दिए, ये कैमरा माउंट हो जाएगा। अब चलते हैं, पेट्रोल भी टंकी फुल करवा देते हैं, जब निकलें शाम को ट्रिप के लिए उस समय टाइम वेस्ट ना हो। सामान ले आए हूँ, अब बाइक पे रखते हैं सामान और बांधते हैं इसको। हाँ जी, तो निकल रहे हैं, बस तैयार हैं, सामान मैंने बांध दी है बाइक पे, आपने देखा ही होगा, तो बस अब चलते हैं। तो लो जी, ये सुभाष नगर मेट्रो स्टेशन पे आ चुका हूँ, अब वो दूसरे भाई का वेट कर रहा हूँ, वो आ जाए फिर निकलते हैं। ऐसे लग रही है कोई बाइक, एक ये अटैची सूटकेस और एक ये बैग है छोटा सा, बाकी एक ये जो टांगा हुआ है मैंने। तो लो जी, दूसरे राइडर भी आ गए हैं हमारे, हम दो ही जा रहे हैं यहाँ से दिल्ली से, एक ये अपनी हंटर 350 जा रही है, एक अपनी ये 350 क्लासिक। और जी की हाल ने, तैयारी तो जी 6:30 हो चुके हैं, अब यहाँ से सुभाष नगर मेट्रो स्टेशन से निकलेंगे, 270 के करीब है मोहाली। तो दिल्ली से मोहाली तक का सफ़र कैसा रहता है, होप कर रहे हैं अच्छा रहे, जैसा जैसा रहेगा आपको दिखाऊंगा। स्पीति की राइड चालू हो चुकी है यहाँ से, तो पहली बार ही जा रहा हूँ मैं, काफ़ी एक्साइटमेंट है। आप भी स्पीति पहली बार ही जा रहे हो ना? स्पीति ये, अच्छा तो ये पहले गाड़ी पे गए थे, बाइक पे ये पहली बार जा रहे हैं, मैं तो गाड़ी से भी नहीं गया और बाइक से तो पहली बार जा ही रहा हूँ। ये देखो ये क्या लेके आए हैं सराहना, पूरा कंफर्ट, पूरी गोल्ड विंग्स में आगे लगे पूरा गद्दा। 18:43 7:45 निकल रहे हैं सुभाष नगर से। चलो जी, जय मां झंडे वाली रक्षा करना। मीटर की रीडिंग है 21128। वैसे इस समय निकले हैं तो सही है, दोपहर को निकलते तो झुलस जाते गर्मी में, अब एक तरह से ट्रिप अब स्टार्ट हुई है। तो दोबारा से बोल देते हैं, वड्या नू राम राम, छोटिया नू प्यार, हाजिर हां तुहाडे सामने फिर तो एक बार। पौने 7:00 के वहाँ से निकले हैं, तब से जाम में ही फंसे पड़े हैं। सोचा था ये वाले रास्ते में जाम नहीं मिलेगा और जाम है भी नहीं, ये साइड में मेट्रो का काम चल रहा है, ये देख रहे हो पिलर्स देख सकते हो ना आप, तो ये मेट्रो का काम की वजह से ना कंस्ट्रक्शन चल रही है और उसकी वजह से जाम लग रहा है। चलो जी, 7:20 हो गए, अभी तक हमने हाईवे टच नहीं करा। ये संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर भी इधर ही है और बाईपास के नाम से भी जानते हैं इसको। तो ये चला गया ISBT कश्मीरी गेट, इधर करनाल और वो सामने पहाड़ आ गए, लेकिन वो स्पीति के नहीं है, वो कूड़े के पहाड़ हैं। ट्रैफिक वाले खड़े हैं। चलो जी, नहीं रोका। कम से कम पहुंचेंगे 1:30 to 2 के बीच में इनके घर मोहाली, फिर वहां पे नाइट स्टे करेंगे, फिर
फिर देखते हैं कैसा कैसा रहता है। तो अभी भी हमें काफ़ी लंबा सफ़र तय करना है। चलो जी, मुरथल पहुंच गए हैं 8:02 पे। ये गया जी अमरीक सुखदेव जी। इस ट्रिप का पहला टोल आ चुका है जो कि हमने भरना ही नहीं। ये बाइक की अलग से लाइन लगी होती है। मैं जब भी हाईवेज पे निकलता हूँ राइड करने, हमेशा ये लाइन कहता ही हूँ। पुराने व्यूअर्स तो शायद इरिटेट भी हो जाएं, कोई ना कोई बंदा नया ज़रूर देखता है। रिपीट करनी पड़ती है क्योंकि जो पहली बार ही आए उसको भी पता लगे ना। तो एक्सप्रेस वे जो बने होते हैं उनको छोड़ के जो ये नॉर्मल हाईवेज हैं इन पर आपका टोल नहीं लगेगा बाइक्स पर। जैसे यमुना एक्सप्रेस वे है उस पर आपका टोल लगेगा बाइक का। 8:40 पे हम इस समय पानीपत पहुंच गए हैं। पानीपत क्रॉस कर दिए, पानीपत टोल आ गया। पानीपत पूरा क्रॉस कर लोगे तो ये टोल आएगा। तो ये कोने की लाइन पकड़ के चुपचाप निकलते जाएंगे। बस ये पार करते ही हमने रेस्ट लेना है 10 मिनट का। और घर से निकलने में लेट हो गया, इस समय भूख भी लग रही है, प्यास भी लग रही है। पानी जो अपने पास है वो भी ख़त्म हो गया, पहले ही पी लिया। तो अब देखते हैं यहाँ से कुछ लेते खाते पीते हैं। ये खड़े जी अपने साथी। तो लो जी, पानीपत टोल क्रॉस कर लिया है। और दिल्ली से पानीपत आते आते ही बाइक में एक दिक्कत आ गई है। छोटी सी दिक्कत है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। मतलब जब ब्रेक पैडल दबा रहे हैं पीछे वाला तो ये उसको रिलीज़ नहीं कर रहा। तो ये हम छोटा सा टूल बॉक्स भी लाए अपने साथ क्योंकि इतने लंबे ट्रिप पे जाओ तो टूल्स वगैरह होने चाहिए। तो जो जी ये चिप्स और कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी ली है, अब यहाँ से निकलेंगे 5-10 मिनट में। हवा चल रही है इस समय ठंडी। हवा तो ठंडी चल रही है क्योंकि आगे हमने पता करा, जो माली में आगे बंदे हैं उनसे पता करा कि आगे वहाँ पर बारिश का मौसम बन चुका है, अंधेरी चल रही है। हो सकता है हमें रास्ते में बारिश मिल जाए। अगर बारिश मिली तो हम रास्ते में ही होटल लेके रुक जाएंगे क्योंकि बारिश में राइड करना बेकार हो जाता है। बाइक पे आने का फ़ायदा देखो, वो बंदे देख रहे हैं ना हमें। गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि एक एक बोतल से कुछ नहीं हुआ। जो 20 वाली आती है छोटी उससे कुछ नहीं हुआ। दो दो बोतलें पी गए कोल्ड ड्रिंक की और चिप्स लिए, और उसके बाद भी प्यास नहीं मिटी। फिर पानी जो घर से लाए थे उसमें थोड़ा सा बचा हुआ था, वो पानी पिया। अब निकले हैं यहाँ से। तो बाइक पे राइड करने का मज़ा तभी आता है जब लोग आपको देखते हैं। अब जैसे टोल पे ये खड़े हुए थे 3-4 लड़के, तो ये आपस में बात कर रहे हैं, वो देखो बाइक पे जा रहे हैं, ये बहुत दूर जा रहे हैं, सामान इन्होंने पीछे टांगा हुआ है कि हम कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर रहे हैं। तो लो जी, यहाँ से अम्बाला है 79 किलोमीटर। तो यहाँ पे रुका हूँ क्योंकि दिखाता हूँ आपको क्या सीन बना है। आंधी इतनी तेज चल रही है ना, क्या ही बताऊँ। तो ये देखो, ये सारी पन्नी ना उड़ गई है। तो इससे पहले ये पूरी ही उड़ जाए इसको टाइम रहते बांधना ज़रूरी है ना। तो लो जी, ये ढाबा है, यहाँ पे रुके हैं। नीलो खेड़ी नाम की जगह है अंबाला से पहले। तो यहाँ पे मतलब डिनर तो नहीं करना लेकिन शिकंज भी पीने लगे हैं, गर्मी है ना। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, जैसे मौसम चेंज हो गया एकदम से। दिल्ली में तो लू चल रही थी, इस समय यहाँ पे ठंडी हवा चल रही है। देखते हैं आगे और ठंडी हवा मिलती है कि नहीं। इधर मुंह धोने में कितना मज़ा आ रहा था, ठंडा पानी एकदम, इतना चैन पड़ा है ना, मुंह धो गए यहाँ पे। यहाँ पे देखो, ये सारी इलेक्ट्रिसिटी बस रुकी हुई हैं, आजकल चालू हो गई ना ये दिल्ली से चंडीगढ़ वाली हैं। आगे का जो फ्यूचर है ना इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ही है। तो ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो धीरे धीरे गवर्नमेंट चालू कर ही रही है। और राइड पे जा रहे हो आप, कहाँ जाओगे? स्पीति। स्पीति कहाँ से हो? दिल्ली से। ब्लॉग डालोगे? हाँ, देखो चैनल हम देखेंगे। ये बाइक आपने खुद की है या रेंट की है? नहीं नहीं, खुद की है। ठीक है, ठीक है जी। नहीं, और जुड़ेंगे आगे। आगे कितने लोग? आज रात मोहाली रुकेंगे। अच्छा, कल और जुड़ेंगे लोग मोहाली से ही। डाल दे, डाल। ओके।
ओके जी, थैंक्स। बस जब ऐसा ट्रीटमेंट मिलता ना तब दिल लब खुश हो जाता है, दिल एकदम। ऐसा ट्रीटमेंट गाड़ी पे नहीं मिलता ना, गाड़ी पे तो हर कोई जना खना आया फिरता है, बाइक्स पे ये अलग ट्रीटमेंट मिलता है। स्पेशली आए दोनों लड़के, राइड पे जा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, सब बताया। ये कैमरा लगा देखा उन्होंने, हेलमेट पे, कह रहे व्लॉग बना रहे हो, तो अच्छा लगता है जब लोग ऐसे मिलते हैं ना। तो लो जी पहुँच गए हैं सेठी ढाबा। तो लो जी 12:10 हो रहे हैं रात के और अब पहुँचे हम सेठी ढाबा। जीरकपुर से थोड़ी पहले है ये। अब यहाँ डिनर करते हैं फिर चलेंगे मोहाली। यहाँ पे लिखा है अपने घर का खाना भी ला के खा सकते हो यहाँ पे निशुल्क, ये ओनर है। तो लो जी 1 बज गए, अब यहाँ से खाना खा के निकल रहे हैं। अब यहाँ से कितना लगेगा, आधा घंटा, पौना घंटा लगेगा, मतलब वही 1:45-2 बजे के पास घर पहुंच जाएंगे और फिर अपना रेस्ट करेंगे। तो ये मेरे राइट हैंड साइड पे ये आ गई होमलैंड बिल्डिंग है, ये गुरुद्वारे के सामने ये होमलैंड बिल्डिंग है। देखो पता नहीं आपको दिखाई दे रहा है वीडियो में कि नहीं, तो यहाँ पे बड़े बड़े मतलब सिंगर्स पंजाबी फिल्म के इंडस्ट्री के बहुतों के फ्लैट्स हैं। तो वो सिद्धू मूसेवाले का नाम सुना है ना, तल्ले होमलैंड बड़े, हाँ ये वही है। तो वो भाई भी यही बता रहे हैं कि जो गाना मैं आपको बता रहा हूँ। तो कातिल थे ना वो, यही होमलैंड आके ही रुके थे, यहीं से कहते हैं। उसके फादर साहब का कहना यही है कि उनके हवेली के सामने उन्होंने सीसीटीवी कैमरा फिट करवाए और मोबाइल के थ्रू यहीं से देखते थे वो। तो लो जी पहुंच गए हैं मोहाली, अब यहाँ पे नाइट स्टे करते हैं।